भाई हैं, चाहे वो रांची से हो, कलामी से हो, दिल्ली से हो, पटना से हो, बेंगलोर से हो, मुंबई से हो, सारे लोगों का हमें सहयोग प्राप्त होता है और वो हमारे देश है जिसकी वजह से हम इतने बड़ा प्रभाव करते हैं। शिक्षक दिवस के अवसर पर जीके नेटवर्क पे एक खबर आई है, खबर मार्मिक है और प्रेरणादायक भी है। जी हाँ, यहाँ एक गुरु ने दूसरे गुरु का सम्मान किया। मामला गुमला से है, देखिए यह रिपोर्ट। शिक्षक दिवस पर जहाँ सभी जगह कार्यरत शिक्षकों को सम्मानित किया जा रहा है, वहीं संत इग्नासियुस उच्च विद्यालय गुमला में इस मौके पर विशेष कार्यक्रम आयोजित कर सेवानिवृत्त शिक्षकों को सम्मानित किया गया। 1991 बैच के पूर्ववर्ती छात्रों के समूह की ओर से आयोजित इस समारोह की खासियत रही कि विद्यालय के सेवानिवृत्त सभी शिक्षक एक साथ एक मंच पर काफ़ी लंबे अरसे बाद नजर आए। विद्यालय में लंबी अवधि तक सेवा देकर 1.5-2 दशक पूर्व रिटायर हो चुके शिक्षक और छात्र आपस में मिलकर अत्यधिक भाव विभोर हुए। मौके पर हेडमास्टर फादर मनोहर खोया ने विद्यालय के विकास में रिटायर्ड शिक्षकों के महत्वपूर्ण योगदान को याद करते हुए कहा कि आप जैसे कर्मठ शिक्षकों के अटूट परिश्रम की बदौलत ही विद्यालय की प्रतिष्ठा को ऊंचाइयाँ हासिल हुई है। आप सबों ने आज भी हमें मार्गदर्शन मिलता रहा है। विद्यालय की गतिविधियों में निरंतर सहायक बने रहने और बेहद कम अंतराल पर ऐसे अनूठे समारोह आयोजन के लिए फादर खोया ने 91 बैच के पूर्ववर्ती छात्रों की सराहना की। रिटायर्ड शिक्षक रमाकांत शर्मा ने शिष्य की तरक्की को ही गुरु की असली खुशी करार देते हुए कहा कि तमाम संघर्षों के बीच अपनी जीवटता के बूते कई छात्रों ने ऊंचे मुकाम हासिल किए हैं। आज पूर्ववर्ती छात्रों ने जिस प्रकार हमें सम्मानित किया, वह उनकी रचनात्मक सोच और परिष्कृत संस्कार का परिचायक है। समारोह के दौरान विद्यालय के पूर्व शिक्षक यमुना प्रसाद पाठक, रमाकांत शर्मा, केदारनाथ मिश्रा, कामिल डुंगडुंग, अंद्रियस कुजूर, जोसेफ बाड़ा, अलोइस टोप्पो व अजिता लकड़ा को सम्मानित किया गया। वहीं पूर्ववर्ती छात्र रहे और अब स्वयं सरकारी शिक्षक के तौर पर कार्यरत कुमार सुंदरम भारद्वाज, प्रदीप कुमार व संजय शर्मा को शिक्षक केदारनाथ मिश्र ने सम्मानित किया। गुमला से अजीत सोनी की रिपोर्ट। सर्वप्रथम तो मैं बहुत खुशी का अनुभव कर रहा हूँ और ये पहल मेरी ओर से तो नहीं लेकिन पूर्ववर्ती छात्रों की ओर से ही आई, मुख्यतः 91 बैच की ओर से, और मैंने उसमें हामी भरी और उन्हें प्रोत्साहन दिया कि आप इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। जैसा कि मैंने कहा कि मैं कुछ शिक्षकों से मिलने की सोच रख रहा था और जब एक साथ यहाँ पर एक मंच में मिले तो मुझे बहुत खुशी हुई। और विद्यालय चाहता है, हमारी संस्था चाहती है, हमारे विद्यालय से जो भी गुजरे हैं, शिक्षक हो या पूर्ववर्ती छात्र हो, उसे जोड़े रखें और उससे हम प्रेरणा लें और समाज के निर्माण में हम अपना योगदान देते रहें, यही हमारी इच्छा है। इसी मनसा के साथ हम यदा कदा पूर्ववर्ती छात्रों के साथ और हमारे गुरुओं के साथ हम मिलते हैं। ऐसे तो हमारे सेवानिवृत्त शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए एक कार्यक्रम होता है गुरु भक्ति मुन्ना फुटबॉल टूर्नामेंट, और उसके उस समय हम विशेष रूप से उन्हें आमंत्रित करते हैं और सम्मानित करते हैं और उस कार्यक्रम को चलाने के लिए उनका योगदान भी रहता है, वे प्रायोजक के रूप में भी रहते हैं। पिछले साल से ये कार्यक्रम नहीं हो सका, आप जान रहे हैं कोरोना की वजह से, और यह मौका मिला मुझे एक साथ उनसे मिलने के लिए और उन्हें शुभकामना, उन्हें नमन करने के लिए, श्रद्धा देने के लिए, तो ये पहल बहुत अच्छी रही। मैं 91 बैच को पुनः मैं बधाई कहता हूँ, पूरे पूर्ववर्ती छात्रों को बधाई कहता हूँ इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजन करने के लिए। सबसे पहले तो सर, हमारा जो 91 बैच है बहुत एनर्जेटिक है और बहुत मतलब ज़बरदस्त है, और तमाम मित्र जो हमारे गुमला में हैं, पटना में हैं, रांची में हैं, मुंबई में हैं, विदेश में हैं, सबों का भरपूर सहयोग मिलता है। यह कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे के अंदर में इसको संपादित किया गया और इसमें हमारे जितने भी गुमला के हमारे मेंबर्स हैं, सारे लोग जितने भी हैं, भरपूर सहयोग रहा। अशोक जी का पहल रहा, समीम साहब जो थे उसको
आगे लेके आए और हम लोग जो कल से हैं जो 24 घंटे जी जान से लगे और आज इस कार्यक्रम को सफल बनाए। ये सफल हो गया है, गुरुजन काफ़ी खुश नजर आए, कैसा अनुभूति आपको हो रही है? गुरु है तो हम लोग हैं, क्योंकि हम खुद एक गुरु हैं, हम खुद आई एम ऑल्सो ए टीचर, तो टीचर को सम्मान देना अपने आप में सम्मान का सम्मान होता है। तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे सभी गुरुजनों का, इतने विकट परिस्थिति में बहुत सारे ऐसे हैं जो आए, शर्मा जी हुए, अशोक जी हुए, अली मिश्रा जी हुए, नरेंद्र सिंह जी हुए, और हमारे जो आइकॉन श्री केदारनाथ मिश्रा हैं, फादर खोया हैं, ये हमेशा से हमें इनसे प्रेरणा मिलती है, सुंदरम भैया हैं, तो बहुत अच्छा लगा कि आज ये प्रोग्राम सफल हुआ। थैंक यू।